बिहार के गया में तैनात एसएसबी के जवान ललित भाटी की मौत के दो दिन बाद शव उनके पैतृक गांव बुलंदशहर के सिकंदराबाद के नया गांव पहुंचने पर हाहाकार मच गया। जवान के अंतिम दर्शन के लिए उनके घर के आसपास गांव के लोगों का तांता लगने लगा। इस दौरान मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने की सूचना लोगों को जैसे ही मिली, आसपास के दर्जनों गांव से लोग जवान के घर पहुंच गए, जबकि परिवार कई घंटे तक जवान का अंतिम संस्कार न करने की बात पर अड़ा रहा। आपको बता दें कि मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे जवान के परिवार को एसएसबी के कमांडेंट द्वारा फोन से जानकारी दी गई थी कि जवान ललित भाटी ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जवान का परिवार ललित द्वारा आत्महत्या की बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ललित के परिजन ललित की मौत की जांच और जवान को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग पर अड़ गए। हालांकि ललित के शव के साथ आए एसएसबी यानी सशस्त्र सेवा बल के डिप्टी कमांडेंट द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद ललित का परिवार माना और जवान ललित का अंतिम संस्कार किया जा सका। कारण क्या, वो सुसाइड वाला कारण जो दिखा रहे थे नेट पे उस तरीके से, तो इसलिए लोग बागों ने उसका विरोध करा। ठीक है, फिर रिपोर्ट मिली हमको, देखी वो हमने। ठीक है, अभी तक उसमें सुसाइड का कोई क्लियर नहीं हो रहा कि सुसाइड है या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि हमने सभी अधिकारियों से जैसे भी बात की है, उस बात से जो है यही पता लग रहा है कि उन्होंने यही बोला है सभी अधिकारियों ने कि आप बेफिक्र रहो, इसमें कोई सुसाइड का मामला नहीं है और क्या नाम है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं। जब तक जाँच क्लियर नहीं हो जाती है तब तक हम इन्वेस्टिगेशन का संज्ञान नहीं दे सकते, तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते इसके बारे में कि हुआ क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। इसी चीज़ का वेट हमने इतने टाइम से किया है, इसीलिए सभी गाँव वालों ने इसका विरोध इसलिए किया है क्योंकि ये एक होनहार और एक अच्छा सहनशील और एक मतलब मेल मिलाप वाला जवान था, जिसके कारण जो अच्छा होने की वजह से सभी गांव वाले ने मिलकर इस चीज़ का जो विरोध इसलिए किया है क्योंकि वो एक बहादुर और एक वेरी स्ट्रांग आदमी था, जिससे कि इनका जो फैमिली है वो बैकग्राउंड जो सभी एक्स सर्विसमैन और आर्मी से संबंधित है, जैसे कि दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके तो बाद में पापा जी और भाई सभी मतलब उसमें वो थे। इसी चीज़ के वजह से इसके ऊपर जो किया गया है। अभी आप चाहते हैं निष्पक्ष जाँच हो जाए? हम ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच हो और जितनी भी मतलब ये बातें हो रही हैं ये सब जो है माननीय मोदी जी तक पहुंचाई जाएं और सभी का मतलब इस चीज़ का जो पता लगाया जाए, क्योंकि इस पे जिसने भी आरोप लगाया है कि क्या नाम है ये सुसाइड है, उसके साथ में जो कठोर से कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाए। कांस्टेबल ललित भाटी जो गया बिहार में पोस्टेड थे, उनकी ट्यूसडे 12 मई को सुसाइड अपनी सर्विस राइफल द्वारा किया गया था। उनकी बॉडी आज सिकंदराबाद सुबह 5-6 बजे आई थी, उसके बाद बॉडी को उनके घर ले गए, वहां पर परिजनों से बातचीत की गई और उसके बाद अभी उनका अंतिम संस्कार किया गया है और उसके बाद परिजनों से बात की गई, उनको कन्विंस किया गया कि इसमें और कोई बात नहीं है, सुसाइड है और उसकी पीएम और सभी हुआ था। अभी दाह संस्कार हो गया और बाकी भीड़ डिस्पर्स हो गई है। परिजनों की ओर से ऐसा आरोप सर लगाया जा रहा था कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, अलग अलग तरह से उनको जानकारी दी जा रही थी मौत के बाद ललित के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एसएसबी के कमांडिंग कुछ ऑफिसर भी आए थे, उन्होंने उनसे वार्ता की और उनको कन्विंस किया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे जवान हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि उनके साथ उनको कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे कुछ छुपाई जा रही है। परिवार को जो संभव मदद होगी वो दी जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनको आश्वासन दिया है और बिल्कुल ये हमारे परिवार के कांस्टेबल है, बिल्कुल उनकी पूरी मदद की जाएगी। गौरतलब है कि ललित 2007 में एसएसबी फोर्स में भर्ती हुआ था, जबकि पिछले 2 साल से ललित बिहार के गया में तैनात था। परिवार बताता है कि ललित के पिता और दादा ने भी सेना में रहकर देश की सेवा की है। फिलहाल ललित को अंतिम विदाई दी जा चुकी है और अधिकारियों की ओर से ललित के परिवार को
हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया गया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।